परेशान होकर पति बन रहे हैं ब्रह्मचारी। अरे हमें तो लगा था हम ही परेशान हैं, पूरी दुनिया का ये हाल है। दर्द
दूंगा, मैं तो सीमेंट रगड़ता हूँ दांतों में। भूलने की बीमारी मुझे नहीं तुम्हें है, मेरे 20 में से ना सिर्फ 9 दांत हैं, अच्छा बाकी सब अच्छे हैं। देख ना इधर, नकली दांतों में ब्रश तो कर लिया करो एटलीस्ट। मेरे मुंह से स्मेल आ रही है। हाँ जी, खुद को नहीं देखती, मतलब है ना ये ऐसी हो रहा था कि जब एनेस्थीसिया नहीं हुआ करता था ना तो डॉक्टर इन्हीं को लेके जाता था, मैडम आ जाओ हमारे मरीज बेहोश करने। बात बताओ, तुम्हारे दांत में दर्द है फिर भी तुमसे इतना झगड़ा किया जा रहा है।
क्या करूं बताओ है? तुमसे तो काम होता नहीं है, सारा दिन यहाँ बैठ के टीवी देखती रहती हूँ है? और ये वो पत्नियों को देखा, देखा पत्नियों को सेवाएं करती लोगों की, तुमने की कभी? भाई लोग कौन बोल रहे हैं, तुम्हें तो 24 घंटा फ्री सेवा करने वाली नौकरानी मिली हुई है, और क्या चाहिए तुम्हें? हाँ हाँ सेवा करने को तो बड़ा ना, मेरे सर में से जुए निकाल के मारते तुम सेवा करने। और तब कहाँ चली गई थी तुम्हारी सेवा है? जब मैं बीमार पड़ गया था। मैडम पटियाला भाग गई, मैं बीमार, यहाँ सामान उठाया पार। वो ना मेरे बेस्ट फ्रेंड की बहन की मौसी की लड़की की शादी थी यार, ना पति का क्या है, ये मर गया दूसरा आ जाएगा, शादी जरूरी है। मैंने मम्मा को कॉल किया, मैंने पूछा था, मजे मार रहे थे हम। मम्मा को कॉल कर दिया, बीमार पति को फोन करने की फुर्सत नहीं है, माँ को फोन कर रही। मैडम यार उनसे बात करना इम्पोर्टेंट था मुझे। हाँ हाँ इम्पोर्टेंट था, बहुत इम्पोर्टेंट था। मैं बताता हूँ क्या बात की होगी इन्होंने, कोई लड़कियों वाली बात की, दुल्हन के दहेज में सोना कितना दिया, बहुत सारा, और मटर पनीर में नमक कितना था, बहुत ज्यादा, और वो दुल्हन की माँ ने पहना क्या हुआ था, कांजीवरम की साड़ी, और शराब पी के शादी में कौन फैला था, लड़के का जीजा, ये सब करवाया। अरे यार तुम ना सिंपली चिढ़ रहे हो मुझसे, क्योंकि रिश्तेदार को तुम्हें मुंह नहीं लगाते, इसलिए बस चिढ़ रहे हो मुझसे। मैं चिढ़ रहा हूँ? हाँ जी तुमसे।
जाके वो पिक्चर देखकर आए होंगे। कौन सी पिक्चर थी वो? रामायण। ओ नहीं नहीं, गोलियों की रासलीला, रामलीला। इन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की, इन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की। फिर तो ना यार, ये बत्रा कसम से मरवाएगा मुझे। मैं बोला था बीबी घर पे नहीं है, आज आप पिक्चर देखने चलते हैं। पर नहीं, तब तो नहीं गया। चलो तो रामलीला रिलीज होगी तब चलेंगे, अभी फंस गया ना। अच्छे से जानती हूँ मैं, मम्मा को कॉल किया था मैंने, पूछा था, बहुत मजे में थे यहाँ। इनको भी क्या पता यार, पटियाला में मैंने भी बहुत मजे मारे थे। लेकिन एक बात बता दूँ, पटियाला में जितने भी दिन थी ना मैं वहाँ, मुझे उनकी एक कमी से महसूस होती रही। अब ना मुझे किसी शेर की भी आदत पड़ रही है, अगर ये साथ ना हो ना तो जिंदगी बहुत खाली से लगने लगती। सारा दिन लड़ती है मुझसे, चिक चिक करती है। पर एक बात सच है, प्यार बहुत करती हूँ। आदमी बहुत प्राउड फील होता है जब अपनी बीवी को देखता हूँ। जिंदगी के हर छोटे बड़े दिक्कतों में उसने हमेशा साथ दिया था। अब सोच रहा हूँ यार मना ही देता हूँ। अच्छा बेबी सुनो, बोलो यार, मान जाओ ना। सॉरी एंड एक्सेप्ट योर फॉल्ट, मैं मान जाऊंगा।